उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने और बादल फटने की वजह से कई इलाकों में तबाही आ गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि त्रासदी में अभी तक 100 से 150 लोगों तक के मरे जाने की आशंका है। तबाही में कई लोगों के बहने की भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा इस तबाही में भारी आर्थिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको HBN पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वहां पर नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको हम सबसे बड़ी खबर अभी तक की दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर एक ग्लेशियर टूटने और बादल फटने की वजह से 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें, जोशी मठ से आगे ग्लेशियर टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार आपदा प्रबंधन चमोली के जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए भी सभी जरूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से आ रही है। मंदिर तो नहीं डूबे, हाँ मंदिर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।